नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों बात करेंगे हम 69,000 शिक्षक भर्ती, उत्तर कुंजी मामला, प्रयागराज डबल बेंच या फिर हो लखनऊ डबल बेंच, जो भी हमारी हैं ये दोनों हमारी उच्च न्यायालय की जो हमारी है शाखाएं हैं, ये ब्रांचेज हैं हमारी उच्च न्यायालय की। इन दोनों में हमारा जो है ना मामला चल रहा है उत्तर कुंजी से संबंधित। दोस्तों सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आप सभी से कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होता है, एक साथ जब मिलके किसी चीज़ पर चोट की जाती है तो चीज चाहे कितनी भी मजबूत हो वो टूट जाती है। ये बात तो आप भी मानते होंगे, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट जरूर कर देना। लेकिन हम ये मुद्दा लड़ रहे हैं, ये मुद्दा जो है सब अपने अपने अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने इस मुद्दे को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, तभी इसमें हमें सफलता भी हासिल होगी। वरना पता है क्या होगा कि दो बिल्लियां लड़ती रह जाएंगी और तीसरा जो बंदर होता है ना वो फायदा उठा ले जाएगा। और बंदर का आशय क्या है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन फायदा उठाएगा। दोस्तों उत्तर कुंजी मामला काफी संवेदनशील है और इस पर हमें सफलता भी मिलेगी अगर हम सही जगह पर चोट करें तो। सभी लोगों से निवेदन है कि जो हमारे मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनका सहयोग जरूर करें और इतना सहयोग जरूर करें कि इस केस में विजय श्री हमें हासिल हो जाए। ये तो थी हमारे मन की बात जो हम आप लोगों से कहना चाहते थे। और सही लोगों के साथ जुड़ें, कहीं भी जुड़ें, लेकिन मुख्य याचिकाकर्ता के साथ जुड़ें, मुख्य याचिका के साथ जुड़ें ताकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। अब आ जाते हैं हम उत्तर कुंजी मामला प्रयागराज डबल बेंच में लगने वाले काउंटर को लेकर। तो आज जो है ना हमारी टीम की बात 343/2021 के जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं श्री अभिषेक श्रीवास्तव से हुई थी और उन्होंने बताया कि अधिवक्ता महोदय से जो वार्ता हुई है उसके अनुसार सरकार द्वारा काउंटर लगाने की प्रक्रिया है वो लगभग 80% पूर्ण हो चुकी है और 20 तारीख के भीतर ही सरकार द्वारा संपूर्ण काउंटर लगा दिया जाएगा। काउंटर लगाने में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं हैं और हर याचिका में अलग अलग क्वेश्चंस चैलेंज किए गए हैं, इस वजह से जो काउंटर लग रहा है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, जबकि काउंटर पूरी तरह से तैयार है, उसमें कोई विलंब नहीं है। आगामी सुनवाई से पहले ही सरकार द्वारा काउंटर लगा दिया जाएगा, माननीय अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो उनकी बात हुई। दोस्तों तो कोई भी याची चिंतित ना हो, हम लोग और हमारी टीम पूरी तरह प्रयासरत है। और दोस्तों मुख्य याचिकाकर्ता का सहयोग जरूर करिए, सहयोग नहीं करेंगे तो फिर जो है हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगी। और आप लोग जो है इतने तो समझदार हैं ही कि किसी भी अधिवक्ता को जो हायर करते हैं, जो सीनियर टॉप मोस्ट अधिवक्ता होते हैं उनकी फीस कितनी होती है ये तो आपको पता ही होगा। इसीलिए हमें अपने मुख्य याचिकाकर्ता का सहयोग तन मन धन से भी करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपको करनी थी। कैसी लगी आपको ये न्यूज़ अपडेट? अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 69,000 उत्तर कुंजी मामले से संबंधित बिल्कुल एग्जैक्ट और ऑथेंटिक अपडेट ही प्रदान की जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ी सी नई और चटपटी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।